के अंदर है ना जनरली टेस्टिंग से रिलेटेड है ना, कोई भी पुश वगैरह पुल के लिए ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो इतनी ही कमांड इम्पोर्टेंट है जो उसमें मेंशन है। ये बिल्कुल सही लिख रखी है उसने। ठीक है, देखो पहले बेसिक्स ऑफ गिट पढ़ते हैं कि गिट होता क्या है। गिट है ना एक रिविजन कंट्रोल सिस्टम होता है जो ट्रैक करता है चेंजेस फाइल्स के अंदर। बेसिकली आपने क्या फाइल के अंदर चेंजेस करे वो सब ट्रैक करने के लिए, किस बंदे ने क्या पुश करा क्या पुल करा, ये सब डिटेल्स गिट के लिए होती है। और गिट को यूज करने के लिए एक सर्विस प्रोवाइड करी गई है, उसका नाम है गिटहब। अब जैसे शशिकांत एक रेपो बना दी जाती है, उस रेपो के अंदर शशिकांत भी पुश कर सकता है, मैं भी पुश कर सकता हूँ, और प्रशांत भी पुश कर सकता है। तो उस सर्विस को गिटहब बोला गया है बेसिकली, जिस पे वो रेपो बनी है। अब इसकी ना कुछ कमांड्स होती है, वही कमांड जनरली यूज करने को देखने को मिलती है। सबसे पहले क्लोनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, इसको समझते हैं। जैसे मान लो मैं गिट खोलता हूँ, ये गिट का डैशबोर्ड होता है, इस तरीके से दिखता है। मान लो एक रेपो बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं क्रिएट रिपोजिटरी। एक रेपो बन गई, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब ये एक रेपो बन गया, इसके अंदर एक फाइल हो चुकी है, करेक्ट। अगर इसको आपको अपने लैपटॉप के अंदर पुल लेना है रियल टाइम में, क्या होगा, एक रेपो प्रोवाइड करेगी कंपनी, वो इस तरीके से कुछ होगा उसके अंदर डाटा। तो आप इस कोड के ऊपर क्लिक करोगे, ये HTTPS होता है। देखो तीन चीजें मिलती है इसमें, HTTPS का यूज करना है, इसको कॉपी करना। तो ये जो कमांड दे रखी है गिट क्लोन रेपो URL, इसके लिए ना एक ठीक लैपटॉप के अंदर गिट बैश होना चाहिए। तो गूगल पे जाके गिट बैश डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पहली बार खुलेगा, इसको करना जो भी आपका लैपटॉप है, मैक है विंडोज है जो भी है, उस पर करके 64 बिट 32 बिट जोन सा भी वो डाउनलोड कर लेना। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे को जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। इसको कॉपी करना, फिर जिस लोकेशन पे आप क्रिएट करना चाहते हो रेपो, इसको इस रेपोजिटरी को, मान लो यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हो, एक फोल्डर बना लेते हैं। कुछ भी नाम दे दिया मैंने उसका। इसके अंदर राइट क्लिक करके यहाँ पे शो गिट ओपन गिट बैश शेयर, तो इस फोल्डर के ऊपर आपकी लोकेशन दिखा दी गई कि आप डेस्कटॉप पे APA नाम के फोल्डर के अंदर हो। यहाँ पे आपको क्लोन करना है, राइट। तो क्या करोगे, कमांड क्या लिखी हुई है, गिट क्लोन, फिर वो जो आपने रेपो का URL कॉपी करा था, रेपो ठीक है, गिट क्लोन। अब इसमें ना वो नहीं चलता कंट्रोल सी, इस आपको राइट क्लिक करके ही पेस्ट करना पड़ेगा, ये क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लोन हो गया। तो इसके अंदर देखो ऑटोमेटिकली वो रेपो और उसकी फुल फाइल बन के आ गई है। फिर इसके बाद है गिट चेक स्टेटस विद मास्टर, इसका मतलब है कि आपने अगर कोई चेंजेस नहीं करे हैं तो वो चेंजेस करे हैं चेंजेस नहीं करे उसको देखने के लिए गिट स्टेटस होता है, गिट योर ब्रांच इज ऑलरेडी अपडेट। तो आपने कोई चेंजेस नहीं करे हैं अभी तक, पूरा अपडेट है पूरा, तो इसलिए ये लिखा जाएगा। अगला है न्यू ब्रांच क्रिएशन, अगर आपको एक नई ब्रांच करनी है तो गिट ब्रांच, कोई कोई यहाँ पे -B भी लगा देता है, कोई कोई नहीं भी लगाता, ठीक है, आपकी मर्जी है, लगाना चाहो तो लगा लो। फिर न्यू ब्रांच का नेम, जो भी नेम देना चाह रहे हो, और फिर स्विच करने के लिए उसमें गिट स्विच इसके अंदर, या फिर लोग कोई इसको गिट चेकआउट भी यूज करते हैं, गिट। ब्रांच ब्रांच ने अब इसके अंदर स्विच करना पड़ेगा हमको, गिट चेकआउट गेट स्विच। अच्छा करो फिर स्विच करो, कुछ भी लिख सकते हो। शशि ये देखो ब्रांच में स्विच हो गया, पहले मेन में था अब किस में आ गया, हाँ शशि हाइफन सही कहा। कांत, ये तो था। अब इसके अंदर है ना अगर आपको कुछ चेंजेस पुश करने हैं, ठीक है, जनरली है ना कोई भी कंपनी के अंदर पुल जाओगे ना, सबसे पहले आप क्लोन करोगे, पहला स्टेप करना यही रहता है। फिर स्टेटस चेक करोगे कि हो गया क्या नहीं हो गया, फिर एक अपनी नई ब्रांच बनाओगे और उस ब्रांच में स्विच करोगे। अब ब्रांच में स्विच करने के बाद जो जो आपको चेंजेस करने करते जाओ फाइल के अंदर, फाइल को ओपन करो। मान लो इस फाइल के अंदर आप एक और नया फाइल ऐड करना चाहते थे, न्यू वर्ड हाँ डॉक्यूमेंट मान लो नाम का, कुछ भी ऐसे मान लो ये ऐड करना चाह रहे हो,
ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने वही प्रोसीजर दोबारा से आप करने के लिए कि आपने कुछ चेंजेस किए यानी गिट स्टेटस, ये देखो अब एक नई फाइल दिखा रहा है ये रेड कलर में, मतलब ये अनट्रैक्ड है, मतलब अभी अब इसको ट्रैक हाँ करने, मतलब अनस्टेज है, इसको स्टेज करने के लिए इसमें ये खुद ही बता रहा है कि गिट ऐड करो फाइल का नेम। अब देखो इसको तरीके, अब इसमें ये लिख रहे हो गिट ऐड का फाइल, या फिर देखो गिट ऐड भी लिख सकते हो आप, इसका मतलब क्या है कि सारी फाइलों को ऐड कर देगा इसमें, अगर लिखोगे तो स्पेसिफिक फाइल को ऐड करेगा। अब मान लो मेरे को स्पेसिफिक फाइल को ऐड करना है, गिट ऐड टी पूरा नाम, ये उसने ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसको चेक करने के लिए ऐड हुआ है या नहीं हुआ, ये रेड से ग्रीन हो देखते जाएगा स्टेटस। देखो अब ऐड हो गया, तो ये तो था कम यहाँ तक का गिट ऐड वाला। अब फाइल ऐड होगी, फाइल चेंजेस कर दिए खत्म। अब उसके बाद आप कमिट करोगे, कमिट के बाद आप पुश करोगे उस ब्रांच के अंदर। देखो कमिट के अंदर इस तरीके से हम कमिट करते हैं, गिट कमिट माइनस एम, जो भी इसमें डबल कोट लगता है, मान लो जो भी आपको मैसेज देना है, मान लो एडिंग डॉक्यूमेंट फाइल इन रेपो, मान लो ये आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो, एंटर करोगे, वन फाइल चेंज आ गया, ये फाइल ऐड होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे उस ब्रांच के अंदर, गिट पुश हाइफन हाइफन सेट हाइफन अपस्ट्रीम ओरिजिन, आपकी ब्रांच का नाम अच्छी हाइफन का, ये पुश कर दिया इसने कोड। अब इसके अंदर है ना ये चेक, अब इसके बाद ये वाला पॉइंट पहले आता है फिर ये बाद में आता है, ये क्या है कि पुशिंग चेंजेस टू द रेपो। इसके अंदर एक पीआर क्रिएट करनी पड़ती है आपको, आपने बहुत वर्ड सुनोगे जब आप पीआर बना दी गया, पीआर बना दी गया, तो पीआर का मतलब होता है पुल रिक्वेस्ट। जब आप ब्रांच के अंदर पुश कर देते हो ना तो गिट पे जाते हो, एक ऐसा देखो कलर का आ जाता है, शो करता है, इसका मतलब है कि आपने कुछ नया चेंजेस डाला है इस ब्रांच के अंदर, और उसके लिए ना वो डायरेक्ट मर्ज नहीं होता, तो हमेशा पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ती है। तो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा, देखो आपने जो आपने नाम दिया था ना वही लिखा होता है यहाँ पे, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो तो इंफॉर्मेशन दे दो, नो रिव्यू, किसी को रिव्यू कराना चाह रहे हो, ये नीचे आपका वो दिखाता है कि फाइल क्या आपने चेंज किया है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट फाइल है, अब ये सपोर्ट नहीं करता इसको ऐसे दिखाना, ठीक है। अगर मान लो कोई टेक्स्ट फाइल वगैरह होती तो वो दिखाता है क्या चेंजेस करे आपने, आपने कितने फाइल के अंदर चेंजेस करे वो बताता है, कितने कमिट हुए, एक कमिट भेजा है आपने सिर्फ, तो बस आप इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहो डिस्क्रिप्शन दे देना, तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, अब ये पीआर बन चुकी है। इसको आप फिर डेवलप उनको भेजते हो, अपने टीम मेंबर को कहते हो कि भाई मेरे पीआर को अप्रूव कर दो, काइंडली अप्रूव। जब वो अप्रूव कर देता है तो ये ऐसा बटन दिखता है मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाता है, मतलब अब ये रेडी है। मर्ज पुल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, कंफर्म मर्ज करोगे। अब ये कोड जो फाइल थे अभी मेन ब्रांच के अंदर चली गई, मर्ज लिखा आ गया। जब मेन ब्रांच पे जाओगे ना आप मेन रेपो के अंदर, ये देखो आपको दो फाइल दिख रही है अब आपको यहाँ पे, पहले एक थी। तो ये तो था गिट पुश वाला और ये वाला कि पुश चेंजेस टू द रेपो, ये कैसे हुआ करेंगे हम, पीआर क्रिएट करेंगे और उसको फिर मर्ज करेंगे, पुलिंग ऑफ लेटेस्ट कोड। पुलिंग ऑफ लेटेस्ट कोड के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, एक जो हमने एक कोड पुश करा है, अब मान लो प्रशांत आया, आपने अपना पीआर पुश कर दिया, पुश करने के बाद शशि प्रशांत को अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करने थे जो आपने लेटेस्ट चेंजेस करे हैं, तो प्रशांत पहले सबसे पहले क्या करेगा, मेन ब्रांच में जाएगा, गिट आउट मेन, मेन के अंदर गया, अभी देखो शशि कांत से वो ब्रांच चेंज होके मेन में चली गई है, राइट। अब इसके बाद क्या करेगा, अपना पुल रिक्वेस्ट पुल लेगा, पुल का मतलब होता है कि मेन ब्रांच से वैल्यू को उठाना, अभी इस मेन ब्रांच के अंदर पुरानी वैल्यू पड़ी है, राइट, उसको लेटेस्ट लेना पड़ेगा, गिट पुल लगाओगे अब मेन ब्रांच अपडेट हो जाएगी आपकी, ये देखो वन फाइल चेंज आ गया लिखा हुआ, अब आपका कोड मेन ब्रांच के अंदर लेटेस्ट है और अब आपने लेटेस्ट पुल भी ले लिया। अब जब आप इसके बाद गेट स्टेटस करोगे ना तो आएगा ब्रांच ऑलरेडी कमिटेड है, और इसी तरीके से जब आप गेट दोबारा से करोगे भी सेम लाइन दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने पूरा अपना लोकल के अंदर सब अपडेट जा कर अपडेट अपडेटेड डाटा उठा लिया। ये तो थी गेट।